भाभों को क्या गारंटी दूं कि वो मान जाए। सूरज जी मेरे सपने से उससे भी ज्यादा गहरा रिश्ता जोड़ चुके, कितना कुछ कर रहे हैं उसके लिए, भाभों तक को मनाने में लगे, पर कैसे बताऊं इन्हें कि मैं अपने सपने को भूलने का फैसला कर चुकी हूं। संध्या जी, ये क्या है? ओ, सूरज जी, डिब्बों में लगाने के लिए बटर पेपर खत्म हो गए थे, इसलिए स्टोर रूम से लेकर आई हूँ। अच्छा। लगता है संध्या जी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए परेशान है। लो, जरा ये कढ़ाई तो संभाल। संध्या जी, जो कुछ भी घर में हुआ ना, आप उसको लेके परेशान ना हो, चिंता ना करें, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। बस आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। रही बात भाभों की गारंटी की, उसका कोई ना कोई इंतजाम करूंगा मैं। जब लड़ते लड़ते यहां तक पहुंच गए तो आगे भी ईश्वर ही है जो हमें रास्ता दिखाएगा। हार जा टीडू, मुझे सूरज जी को सब कुछ बता देना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना टीवी, ना अखबार, ना ये हंगामा, नहीं भाग लेना मुझे प्रतियोगिता में, नहीं पूरा करना मुझे अपना सपना। शूटिंग पे जाना है। मारे पहाड़ी वाले बाबा की जय हो, वो तो नजर गाड़े बैठे रहते हैं कि कब मीनू थारी मदद करूं, और देखो मदद कर दी। कितना डरी हुई थी ना मैं कि भाभो अगर ज्यादा सवाल जवाब पूछेंगी तो कहीं मारी पोटली ना खुल जाए, छूट की, मगर भगवान ने सुन ली। कैसे टीवी की रामायण पहले ही शुरू कर दी घर में। अरे मारे पहाड़ी वाले बाबा की जय हो। और देखो ना क्या किया, दोनों थारे दादे एक दूसरे पे ही उलझी हुई है इस पे। अरे मजा आ गया है ना काना, कितनी होशियार है तेरी माँ। डरेगी नहीं ना तू, हैं? कैसी लग रही हूँ मैं? अभी घर में कलेश चल रहे हैं, तुझे अपने मजे की पड़ी है, हैं? सुधर जा, तू बता रहा हूँ। एक बात बताऊँ, ये सब चीजें छोड़ो, अरे जिसने की शरम उसके फूटे करम। ये बताओ लग कैसी रही हूँ? लग रही हूँ ना एकदम बिजली की तरह। करंट तो मार रही है तू, वैसे झटाक लग रही है। अच्छा हमारी बात सुनो, देखो आज हम दोनों कितने दिनों बाद इस पिंजरे से निकल रहे हैं। तुम्हारे को तो होटल में खाना खाना है बढ़िया सा, और शूटिंग में जाएंगे ना तो हीरो हीरोइनी के साथ फोटो तो जरूर खिंचाएंगे, और जरा पास पास खींचना, वो कह देंगे कि हमारी रिश्तेदार है, जान पहचान वाले हैं, सारे पहाड़ने वाले तो जरूर के राख हो जाएंगे, और वो दाइसा तो जरूर से है ना कहना कहा है पारा। कैसे ना, कैसी कैसी लग रही हूँ जी? वैसे हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं है, मैंने खुद को देखा, तू बिल्कुल हीरोइन लग रही है। हाँ सही बता रहा हूँ। रे मीना मीनड़ी, अरे बाबू तुम्हारा एक दिन हार्ट अटैक कराएंगे। इन चश्मों को रखो, अगर देख लेंगे तो कहेंगे कि भगवान को इन रंगीन चश्मों से देखने जा रही है। और आप पूजा की थाली उठाओ, मैं काना को उसकी दादी के पास लेकर आती हूँ। पुष्कर में कुछ दिनों पहले शुरू हुई चिटफंड योजना का भंडाफोड़,
सबको पुलिस ने पकड़ लिया। ये वही कंपनी है ना जिसमें तू पैसे डालने के लिए बोल रहा था कि 2 महीने में डबल हो जाएंगे, हैं? भाई दिवाला निकल गया। मोहित, अब हम क्या करेंगे? कितनी उम्मीद के साथ तुमने वो पैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे और वो सारे डूब गए। काश हमने भाभू की बात मान ली होती तो हमारे पैसे कभी भी ना डूबते। सुना लो, जी भर के भड़ास निकाल लो तुम भी। फिर पैसे तो तुमने ही दिए ना, डालो जितना मजाक उड़ाना उड़ा लो। मोहन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि जो नुकसान हम दोनों का हुआ है उसकी चिंता कर रही हूँ। चिंता मुझे हो रही, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्या सोच के तुमने पैसे दिए थे। अच्छा होता कि तुमसे पैसे ना लेता और ना इतना बड़ा नुकसान होता। गलती हो गई जो तुमसे पैसे ले लिए मैंने। मोहित, मैंने तुम्हें पैसे देके कोई गलती नहीं की। तुम्हें पैसे चाहिए थे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम्हारी इसी मदद की वजह से आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूं मैं। सिर्फ मेरे कंधे पे बंदूक मत रखो, कहीं ना कहीं पैसे डबल होने का लालच तुम्हें भी था। मुझे पैसों की लालच? मोहित, ये तुम क्या कह रहे हो? एनीवेज, जो हुआ अब हम तो उसे बदल तो नहीं सकते ना। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम उस कंपनी से पैसे कैसे वापस लेंगे। मोहित, मोहित, क्यों ना हम हमारी प्रॉब्लम बड़ी जेठानी जी से जाके डिस्कस करें। हाँ, उनके पास कोई ना कोई सलूशन जरूर होगा हमारी इस प्रॉब्लम का, और ये ठीक भी रहेगा। मोहित, चलो हम अभी चलते हैं उनके पास। पागल हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, और खास करके संध्या भाभी को तो बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए। इस बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, और अगर ये बात किसी को पता चली तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। याद रखना तुम। नहीं कहूंगी मोहित, किसी से भी नहीं कहूंगी, मेरा विश्वास करो। चलो ये अच्छा हुआ कि डिवोर्स की धमकी काम आ गई। पैसे तो किसी कीमत पे नहीं मिलने वाले। अब अच्छा यही होगा कि ये बात किसी को पता ना चलेगा। अरे वाह, आज तो कान्हा अपनी दादी साहब के साथ रहेगा, है ना? लिया। अब देवरानी जी, आज आप भाभू की थोड़ी मदद कर देना कान्हा को संभालने में। अच्छा है, आपको ही बच्चे संभालने आ जाएंगे, अब तुम भी तो माँ बनने वाली हो। विक्रम, ये ले नारियल। बीनी, 21 रुपये का चढ़ावा मंदिर में चढ़ाती है। हाँ भाभू, आप चिंता को नहीं करो, मैं ना पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करूंगी वही बैठकर मंदिर में। और सबसे ज्यादा तो मैं प्रार्थना करूंगी जिठानी जी के लिए कि उन्हें सद्बुद्धि दे भगवान। और भाभू, आज मैंने और इन्होंने उपवास भी रखा है। और सुन बेनड़ी, ये चढ़ावा थारे हाथ से नहीं, कान्हा के हाथ से कराए। कान्हा के हाथ हो, मगर कान्हा तो आपके पास रहेगा ना? ठीक है बाबू, मैं काम करती हूँ, कान्हा का हाथ नारियल पे लगवा देती हूँ। ठीक है ना, है ना? नहीं भी, कान्हा थारे साथ जाएगा। रे, इतने बड़े ब्रह्मा जी के मंदिर में टाबर के हाथ से पूजा होगी ना तो शुभ मानी जावे। बाबू, लेकिन मैं कान्हा के साथ पूजा कैसे कर पाऊंगी ना? क्यों, जब दुकान पर टाबर ने लेकर जा सके है तो मंदिर में टाबर ने क्यों को नहीं ले जा सके? टाबर का बाप भी तो चल रहा है ना थारे साके। ध्यान रहे, छोरा के हाथ से अच्छे से पूजा कराना और पंडित जी से आशीर्वाद भी दिलाना, और पंडित जी ने दक्षिणा देनी ना भूलना। अरे छोरा ने पुण्य मिलेगा। क्यों, आज न बोली के भाभू आप हुकुम दियो मैं जान दियो?
आज कैसे बोलती बंद होगी थारी? भाबो ऐसी बात कोनी। ठीक है ले जाती हूँ मैं कान्हा को भी। चल कान्हा। चश्मा पहन ले चश्मा। सूरज जी मुझे आपसे कुछ कहना था। जो आपकी सारी चिंताओं को हमेशा के लिए संभाल लेगा। बोलिए ना क्या आपके पास कोई उपाय है भाभू को गारंटी देने का? नहीं सूरज जी मैं गारंटी वाली बात के बारे में बात नहीं कर रही। वो दरअसल सूरज जी मैं जो बात करने जा रही हूँ उसके बाद आपको गारंटी वाली चिंता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा अब कैसे? बात कुछ ऐसी है सूरज जी कि मैं अपना सपना भाबो ले दुकान से बात संदेश आइए। ना भाबो तो ठीक तो है ना? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ संतोष? कुछ ना हुआ है। ठीक हूं मैं। चोट लगी दिखाना कहां? रंग मुड़ी है मारी। लंगड़ी ना हुई हूं अब। हाँ कुछ ना हुआ है मारे को। बाबा ये कैसी बातें करी? संदेश जी आप जाइए ना रिक्शा बुलाइए भाभू को लेके जाते हैं ना हम डॉक्टर के पास। रुक जा कोई जरूरत ना रिक्शा बुलाने की। मैं ना जाऊंगी डॉक्टर के कने। संदेश जी आप क्यों खड़े हैं? जाइए जाके रिक्शे को बुलाइए। अरे भाभू को डॉक्टर के पास लेके जाना है। जी रुक। तने तो अपनी भाभू की बात टालने की आदत सी पड़ गई है जो मारी हर बात काट तो रहे। अपनी माँ के वास्ते ना समय खराब ना कर नहीं तो थारी बीनी ने पुलिस अफसर नहीं बनाने के लिए मेहनत कब करेगा? मारी चोट की चिंता ना कर छोरा। हाँ कहवे है ना कि समय के साथ हर चोट मन और शरीर की सब भर जावे। जा छोरा जा तो अपनी बीनी का ना अंग्रेजी किताबें और अखबार लेने की चिंता कर। जा जाइए ना खड़े क्यों यहाँ पे रिक्शा चलाइए भाभू को डॉक्टर के पास लेके जाना है। जाइए ना आप। जा तू तो थारे भरतार जी की सुनेगी ना। तुम दोनों बस आपस की ही बात सुन लिया करो। मारी कौन सुने इस घर में? रिक्शा लेकर आती हूँ। जा जा। हाँ रिक्शा ला कर ना घर के बाहर ही खड़ा कर दिए। याद रख लीजिए मारे पर ना तुम दोनों की मनमानी ना चलेगी। कह दिया एक बार डॉक्टर कने ना जाऊंगी तो ना जाऊंगी। अरे क्यों बेकार की जिद पर आ रही है संतोष? देख तने चोट लगी है इस उम्र में ये लापरवाही ना कर। डॉक्टर ने देखा ठीक हो जाएगी जल्दी। ना ना जाऊंगी डॉक्टर कने। मैं भी देखूं कि मेरी मर्जी के खिलाफ
कौन मने डॉक्टर कने ले जावे। कमरे में चलते आजा। ना मोहित मने मारे कमरे तक लेकर जा। जी बाबू। राम से। अरे भाई ये क्या है, यहाँ बड़ा अच्छा बना रखा है इन लोगों ने। नमस्ते। अरे भैया आज शूटिंग देखना है। हाँ सूट रेडी इन लोगों का, तुम साइड में। तेरी मारी तो लगता है खुशियों के पीछे सब पड़े हैं, सबसे ज्यादा भावो। बियो तू भावो के नाम का बिल के फाड़ती रहती है। अब थारा चश्मा टूटा तो उसमें भावो का के दोष है? भावली। अच्छा के दोष है? कान्हा को अपने साथ ले जाने के लिए किसने कहा? भावो ने ना। अरे कितने मजे से मियां बीबी तैयार होके शूटिंग देखने निकले थे, सोचा था अच्छा सा खाना भी खाएंगे। कितनी फूटरी लग रही थी मैं उस चश्मों में, और ये कि आपके बेटे ने तोड़ दिया। ये ना दादी और पोते की भगत है, दोनों की, दोनों ने परेशान कर रखा है हमारे को। बाबू को पता है कि तू मंदिर नहीं शूटिंग देखने जाई? ये तो थारा झूठ का फल मिल रहा है तुझे भगवान से। तो थारा चश्मा भी टूट गया, बच्चा भी परेशान कर रहा है, शूटिंग वूटिंग भी इन लोगों ने चालू नहीं की है, इनके चक्कर में अपना काम हम छोड़ के आए दुकान बंद करके। एक बढ़िया तरकीब देता हूँ तुझे, क्योंकि घर चल के आंगन में पेड़ के नीचे बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, बड़ा मजा आएगा। नहीं 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 ए जी, अब शूटिंग के लिए आए हैं तो शूटिंग देख कर ही जाएंगे, बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, चश्मे को मारो गोली, आओ। एक काम कीजिए, ये दवाइयाँ अभी मंगवा लीजिए और इन्हें अभी का डोज दे दीजिए। इन्हें मोच से नसों में खिंचाव है, मलहम से हल्की हल्की मालिश कर दीजिएगा, इसके साथ साथ आराम करेंगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक। डॉक्टर साहब आप कितने फीस हुई? 300 रुपए। 300? भाबो सुन तो। क्या रुक। भाबो भाबो लेट ना, डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है। छोरा कितने पैसे हैं? संतोष 300 रुपए, 5 मिनट के लिए 300 रुपए ले लिए। हमारा राम जी ये तो नुकसान हो गया। भाबो छोड़ना पैसों की, भाबो इतनी फीस तो वो डॉक्टर घर पे आने के ले ही लेते हैं। छोड़ना तू आराम कर। इसे तो अच्छा होता कि मैं डॉक्टर के करने चली जाती, 60-70 रुपए में काम हो जाता, घर आई तो 300 रुपए ले लिए। एक काम कर, दवाइयां ना आधी लाए, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ना है, भैया बिठाने पीसा की ज्यादा जरूरत है, संभाल कर रखे। अब भला आधी अधूरी दवाइयों से आराम कैसे मिलेगा? और रही बात ये छोटे मोटे पैसों की, अब वो इसकी चिंता ना कर, मैं किस लिए कमा रहा हूँ? मैं हूँ ना मोहित, ये ले पर्ची, तो भाग के दवाई ले आ, जहाँ से भी मिले। हाँ ये एक काम कर, ये पूरे ले जा, जा। हट चल, हट, हल्दी पीसनी बाकी है। भाबो तुझे कोई काम नहीं करना। छोरा बिस्तर पर लेटने से घर ना जाना है, भागो मैंने मंदिर भी जाना है, कबूतर ने दाना भी डालना है। हर दुकान का नुकसान हुआ था ना, तब माना था मैंने। हट छोरा हट। भाबो मैं वो दाना मैं डाल दूंगा ना, तू उसकी उसकी चिंता ना कर। देख भाबो अगर तू जिद करेगी ना मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, पर अगर यहां से धक्के मार के निकालेगी ना तो बाहर से ताला लगा दूंगा और तुझे यहां से जाने ना दूंगा।
बैठ जा तू। बाबू और सूरज जी का रिश्ता बड़ा गहरा है। भगवान है बाबू सूरज जी के लिए। इस भगवान पे दांत लगा थे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सूरज जी। अगर मैंने सूरज जी को आईपीएस की परीक्षा के लिए मना कर दिया तो वो वजह जाने बिना नहीं रहेंगे और मैं वो वजह कभी नहीं बता पाऊंगी। मैं बाबू को सूरज जी की नजर में कैसे गिरा सकती हूँ? नहीं, मैं सूरज जी को सच्चाई नहीं बता सकती। इस पवित्र रिश्ते पर आज नहीं आने दे सकती। इसके लिए मुझे मुझे चुप ही रहना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।